राम राम जी। क्या हाल सारा का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। आज आपके लिए सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी चार अपडेट लेकर के आया हूँ। तो चार अपडेट जो आपको बारी बारी से बताने का कार्य करूंगा भाई, तो वीडियो को भाई शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं। सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 बनाई है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट है भाई। और ये जो है बहुत बड़ा जो है तोहफा दिया है भाई बेरोजगार युवाओं का जो है नायब सैनिक की सरकार ने। तो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस पे भाई जो आज के न्यूज़पेपर में लगी है ये न्यूज़ भाई। सरकार ने बनाई आईटी सक्षम युवा योजना 2024 मिशन एट द रेट 60,000, पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो प्रदेश सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 तैयार की है, इसके पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन 60,000 के अनुरूप तैयार योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। आईटी पृष्ठभूमि के युवाओं स्नातक या स्नातकोत्तर को रोजगार मिलेगा जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम करेंगे। उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समितियों, एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद 7वें महीने से जो है 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे घर बैठे जो है 10,000 रुपये प्रति महीने जो बेरोजगारी भत्ता देगी। तो सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी। तो ये तो भाई बड़ी अपडेट थी भाई बेरोजगार युवाओं को लेकर के। अब आगे दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं भाई। कार्यालय सिविल सर्जन सिरसा में जो NHM के तहत भर्तियां निकली थी भाई और 20-3-2023 के अनुसार जो भर्तियां की जानी थी और जो है इसको लेकर के भाई नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 25-7-2024 तक जो है आवेदन मांगे गए थे। उसमें जो है इन्होंने एक त्रुटि रह गई थी, उन्होंने गलती कर दी थी नोटिफिकेशन में, उन्होंने जो है वॉल इन इंटरव्यू लिखा गया था। लेकिन अब जो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ क्या कुछ दिया गया मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ भाई। कार्यालय सिविल सर्जन सिरसा द्वारा विज्ञापित एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दे रखा भाई दिनांक 11-7-2024 को विभिन्न पदों की भर्ती हेतु प्रकाशित किया गया था। 11-7-2024 की भर्ती भाई प्रकाशित की गई थी, एडवर्टाइजमेंट की गई थी विभिन्न न्यूज़पेपर में, जिसमें लिपिकीय गलती के कारण वॉल्क इन इंटरव्यू लिखा गया था। अतः जनित में सूचित किया जाता है यह भर्ती NHM सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है, पत्र क्रमांक नंबर दे रखा है, दिनांक दे रखे 20-3-2023 के अनुसार ही की जानी है और यह वॉल्क इन इंटरव्यू नहीं है। इसके लिए आवेदन पत्र दिनांक जो है 25-7-2024 तक सायं 5 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर ओनली के माध्यम से जो है सिविल सर्जन सिरसा में जो स्वीकृत किए जाएंगे। अब तीसरी बड़ी अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं भाई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी सिविल सर्जन अंबाड़ा में जो है फार्मासिस्ट, STI काउंसलर और डाटा मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकली और ये जो 31-3-2025 तक के लिए लगने हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो आप देख सकते हैं भाई STI काउंसलर भाई GH अंबाड़ा कैंट में लगनी है एक पोस्ट है भाई और ये सभी जो 31-3-2025 तक लगने में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। डाटा मैनेजर की एक पोस्ट रहेगी भाई और उसके बाद फार्मासिस्ट की भी एक पोस्ट रहेगी। ज़्यादा जानकारी के भैया आप जो है NHM की जो प्रॉपर वेबसाइट है nhmharyana.gov.in पर जाकर के जो है डिटेल देख सकते हैं। अब अगली बड़ी अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं भाई। दी जोशी CS लिमिटेड जोशी जिला पानीपत ये भाई कोई कंपनी वगैरह भाई, इसमें भी जो है फार्म निकले हैं भाई PN कम चौकीदार के। तो ये भी देख सकते हैं भाई सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि जोशी CS लिमिटेड जोशी जिला पानीपत में विभागीय अनुमति पत्र क्रमांक 25-04 दिनांक 2-7-2024 के संदर्भ में समिति में अस्थायी तौर पर PN कम चौकीदार पद पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 24-7-2024 तक आवेदन जमा करा सकेंगे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10-2 पास होना अनिवार्य है। उपरोक्त समिति में आवेदन पत्र जमा कराना सुनिश्चित करें, जिस पर समिति की प्रबंधक कमेटी 30-7-2024 को निर्णय नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए समिति की प्रबंधक कमेटी सक्षम है। तो ये भाई लेटेस्ट चार बड़ी अपडेट थी भाई हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों लेकर के। अपडेट आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसके साथ जय हिंद जय भारत।